ये देखिए दोस्तों, हमारा देसी पकवान पिज्जा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आशना जोन यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं देसी पकवान पिज्जा। तो हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स जरा बता दें कि हम इसमें क्या डालने वाले हैं। यहाँ पे मैंने दो पकवान ले लिए हैं। ये मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ चीज लिया है, यहाँ पर छोटा छोटा कटा हुआ प्याज लिया है, यहाँ पर शिमला मिर्च लिया है, ये भी मैंने छोटी काट ली है। ये कॉर्न लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, स्वीट कॉर्न है ये। ये कोथमीर है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और ये है सॉस जो जिसमें मैंने टमाटो सॉस और मस्टर्ड सॉस का मिश्रण बनाया है। ये है हमारा मस्टर्ड सॉस जो मैंने सॉस में डाला है और मिक्स किया हुआ है। ये पेरी पेरी मसाला है और ये है ऑरिगेनो, ये है चिली फ्लेक्स। तो आइए हम जरा अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, असेंबल कर लेते हैं। ये जो मस्टर्ड सॉस और सॉस का हमने मिश्रण बनाया था उसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस पे। ये सॉस से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसे हम शाम में और ब्रेकफास्ट पे मॉर्निंग में आराम से बना के खा सकते हैं। इजी भी है काफी ज्यादा बनाना। और जब मैं दाल पकवान बनाती हूँ तो पकवान थोड़े ज्यादा बना देती हूँ, जिससे कि शाम में बच्चों को जब भूख लगती है तो वाह भाई पिज्जा का नाम सुनते से ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। और ये जो पकवान है वीट के बनाती हूँ, वीट फ्लोर के, मैं मैदे का नहीं बनाती हूँ। और उसमें जो अपन नॉर्मली जीरा और अजवाइन वगैरह डाल के, नमक डाल के आटा गूंथ लेते हैं और बना देते हैं। तो हमने पहले प्याज डाला, अब हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं, अब हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। अब जो है कोथमीर थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी मैं, भाई देसी है तो कोथमीर तो बनता ही है। और अब जो काफी फेवरेट है बच्चों का स्पेशली चीज, तो अब हम चीज डालेंगे। आप अकॉर्डिंगली डालिए अपने, आप जितना चीज खाना चाहते हैं उतना डालिए। और बिना चीज के पिज्जा तो खैर बनेगा ही नहीं, खाएंगे ही नहीं बच्चे, चीज का नाम सुनते से ही खा लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे पेरी पेरी मसाला। ये देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है और ये हेल्दी रहेगा बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली चीज वाइज भी हेल्दी ही है, देना चाहिए बच्चों को। और जो पकवान है मेरा वो काफी हेल्दी है। और हमने अभी ऑरिगेनो डाला और अब हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। और सबसे लास्ट में जाएगा हमारा सॉस, टमाटो सॉस। ये देखिए दोस्तों, हमारा देसी पकवान पिज्जा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरी गारंटी है आपको ये घर पे बनाएंगे तो जरूर से पसंद आएगा। और ऐसा देसी पिज्जा आपने कहीं नहीं खाया होगा। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, बी सेफ।